दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आगे हम फिर से नए और धमाकेदार चैलेंज वीडियो के साथ। और आज के चैलेंज वीडियो में हमारे पास है तंदूरी मोमोज, चिकन बिरयानी और ये प्लेन डोसा सांभर के साथ। हाँ, और इस चैलेंज में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैलेंज में जो भी एक्स्ट्रा चीजें खाने, जैसे प्याज खत्म पूरा खत्म करना जरूरी नहीं है, और सांबर भी पूरा खत्म करना जरूरी नहीं है, और चटनी भी पूरा खत्म करना जरूरी नहीं है। वो इसलिए बता दिया कि कई बार हम ये चीजें छोड़ देते हैं तो फिर आप लोग कमेंट कर दो आपने ये खत्म नहीं किया। तो ये कोई रूल नहीं है, बस हमें बिरयानी पूरा खत्म करना है, डोसा पूरा खत्म करना है, मोमोज पूरा खत्म करना है। तो आज के चैलेंज में टोटल 3 राउंड होने वाले हैं, और थंबनेल में तो आपने देख ही लिया, दो जो 2 राउंड जीत जाएगा उसे ये मिलेंगे। अरे अरे, होली से एक दिन पहले। अरे हाँ, और आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी होली। और शायद आप ये वीडियो होली वाले दिन या होली से एक दिन पहले देखोगे तो बताना, या फिर आप चाहो तो हमें भी हैप्पी होली विश कर सकते हो। तो हम ज्यादा बातें नहीं करते हैं और आज का चैलेंज स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो बिना बोले लाइक, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और हमें सपोर्ट करो कि हम आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो बना पाए, और हम कोशिश करते हैं आपके लिए अच्छी वीडियो लाए। अगर आपकी कोई भी सजेशन हो तो वो भी कमेंट करके हमें बताना, मतलब जो भी आपके, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपके पास जो भी कमेंट बनता है, अगर हमारी कोई गलती दिखती है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको सुधारेंगे अपने आप में। ठीक है, तो बिना देरी के आज का चैनल स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट राउंड में हम क्या खाने वाले हैं? फर्स्ट राउंड में सारी चीजें अच्छी है ना, सारी चीजें अच्छी है, तो स्टार्ट करते हैं डोसा। मेरे को तो ये सोच के अजीब थोड़ा सा लगता है कि हम लोग खाते, आप लोगों के मुंह में ना थोड़ा सा तो पानी आता ही आता होगा भाई, मेरे तो आ रहा है क्योंकि इतनी मस्त मस्त चीजें सामने रखी, इंतजार नहीं हो रहा हमसे, इसलिए हमने ज्यादा इंटरव्यू लंबा नहीं किया। चलो ज्यादा बात नहीं, मुझे लगा मोमोज ज्यादा अच्छा रहता ना, टेस्टी टेस्टी खाने से। नहीं पता, मोमोज तो ठीक है, ये डोसा काफी ठंडा हो गया तो ये टाइट हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर ये भी ठंडे हो गए। चलो ठीक है, डोसा से स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट राउंड में डोसा खाएंगे। तो पहले राउंड में हम डोसा खाने वाले हैं। जीतने वाले को कल की शॉपिंग हो जाएगी। वाओ, मैं सोच रहा हूँ मैं जीतूंगा, मेरे पास आएगा ये, देखते हैं। 5,000 भी तुम ही उड़ाए थे और उसको अभी तक संभाल के रखा है। मैंने बोला कि कुछ अच्छा सा चैलेंज कर लेते, कह रहा नहीं वो तो मैंने जीते हैं। नहीं, क्या पता किसी दिन और काम में आ जाए। हाँ, रखा हुआ है, अभी है हमारे पास बैलेंस, तो उसको साइड में रहने दो। तो फर्स्ट राउंड के लिए हमने डोसा ले लिया, तो अभी स्टार्ट करें। 1, 2, 3 एंड गो। लेकिन जहां से हम डोसा लेते हैं ना, सच में उनके जो सांबर का स्वाद है, डोसा का स्वाद है, इतना मस्त होता है ना, इतना मस्त। मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल ना वो मेरे को देख के और बढ़िया से बना के देता, मैंने देखा है। सांबर ना पहले से बना रहता है, सांबर का छोड़ो, क्योंकि डोसा वो मेरे सामने बनाता है, तो डो वो सब ज्यादा अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं। मैंने जिस दिन से बोला है ना, ये चीज मैंने देखा है, पहले दिन इतना बढ़िया से नहीं दिया था उसने, बस बना दिया था। तो अच्छा लगा था, शुरू से ही अच्छा लगा मुझे सांबर का, जो खट्टा मीठा दोनों स्वाद जो आता है ना, बहुत ही अच्छा आता है। मैं राउंड तो वैसे जीत चुका हूँ, बाकी अगर ये सांबर पीने का भी होता ना तो भी जीत जाता, आप देख। लेकिन मैंने ना तुमसे ज्यादा सांबर खाया है, आप देख सकते हो। हाँ, वो अलग बात है, क्योंकि सांबर
मुझे खट्टा की वजह से थोड़ा सा पसंद नहीं। नहीं, मैंने तुमसे ज्यादा खाया अगर देखा जाए तो। वैसे कल इतनी जीता, लेकिन अगर हम सभी चीजें लेके तो मैंने ज्यादा खाया है। तो सेकंड राउंड के लिए हमने यहाँ पे तंदूरी मोमोज ले लिए, तो अब इसको भी स्टार्ट करते हैं। साथ में ये थोड़ा सा यहाँ हम टेंशन बढ़ा देता है, इसको साइड में रख देंगे नेक्स्ट लेवल पे। चलो बोलो, 1 2 3 एंड गो। जस्ट सेकंड, लेकिन जीत तो जीत होती लेकिन है। जो मैदे का ऊपर का बेस होता है, जो शेप बनाते हैं, वो थोड़ा सा मतलब रबड़ की तरह हो रहा था, चबाए नहीं जा रहा। तंदूरी कहलाया किस लिए? रबड़ वाला फील नहीं किया तो वो तंदूरी नहीं है। ऐसा क्या? किसी भी चीज में देख लो आप। चलो फाइनली मैं जीत गई, उम्मीद नहीं लग रही थी। अब ये मेरे पास से जाता हुआ दिख रहा है। अभी हम दोनों इक्वल पे है, एक राउंड बाकी है। ठीक है, मेरा पेट फूल हो रहा है। वो तो मेरा भी है, देखते हैं। तो देखते हैं अब थर्ड राउंड कौन जीतता है, कौन वो पैसे लेता है। अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, इसलिए मैं खुश हो रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। करें बिरयानी देख के तो खुशी अलग होती है, चिकन बिरयानी। ये चीटिंग होता है, आप हाथ पहले ही यूज कर लेते हैं। मोमोज में भी आपने देखा होगा पहले रख लिया था इन्होंने। अच्छा ठीक है, 1 एक मिनट, एक मिनट, मुझे एक बात बोलना, कौन कौन चिकन बिरयानी लवर है वो जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो हूँ भाई, मुझे बहुत पसंद है बिरयानी। ये वो चीज है ना जो मैं मतलब हमेशा खाऊ ना अपने जीवन में, तो बोर नहीं हो सकते। वो ये चीज है, इस लेवल तक का मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे तो मतलब दिन फैन तो मैं हूँ चिकन बिरयानी का, लेकिन इस मैं दिन में एक टाइम अगर ये रोज खाऊ तो मैं कभी भी बोर नहीं होंगी, कभी भी नहीं, हमेशा। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। 1 2 3 एंड गो। हार गया आज, क्योंकि जो पीस होते हैं ना तुम बाद में खाते, इसलिए हार गए तुम। मजा आ गया। जो थर्ड राउंड है, मतलब जो सेकंड और थर्ड राउंड है, वो मैं जीत गई हूँ। मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है ना, आपको बता नहीं सकते। अगर आप मेरे चेहरे से समझ सकते हैं तो समझ जाओ। तो अब बारी आती है प्राइज की, तो चलो जल्दी से निकालो। मैं सिर्फ 2 सेकंड से आ रहा हूँ, तो कुछ तो मेरा भी बनता है 100 रुपए। अच्छा, तो 5,000 जीत गए, उसमें से तुमने मुझे कुछ दिया। चल हटो, चले गए 1,000। अपना जो 5,000 जीते उसमें से कुछ दिए, वो देखो अभी भी वो रखाई है, कहीं नहीं गया। रखाई लाओ तुम, उसमें से 1,000 लाओ, 100 रुपए दे। ये चीज नहीं होता। खैर, आप प्राइस में मेरे को आप दे दोगे 1,000 रुपए? बताओ। नहीं, मैं 100 रुपए दूंगी, तुम 1,000 दो। अच्छा चलो 500 दे दो, मैं तुम्हें 100 रुपए देती हूँ। बोलो बोलो, अब बोलती बंद हो गई। सही है ये। और आप ये सोचते होंगे इनके पास ये पैसे कहाँ से आते हैं, तो ये पैसे हम दो, या तो हम दोनों के होते हैं आपस के 50-50, या फिर जो मेरे हस्बैंड है ना वो हमें देते हैं इस चैलेंज के लिए पैसे। तो इसलिए अगर हमारे चैलेंज में से जो भी जीत जाता है तो पूरे पैसे उसके हो जाते हैं। 5,000 मेरे हुए,
4000 फिर भी आ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। शॉपिंग बढ़िया हो सकता है अगर होली का कर, बाकी मैं नहीं करूंगा। मैं दीपावली पे शॉपिंग करता हूँ वो भी बम का। अरे इसके तो इतनी सारी कहानियां है ना, आपको बताएंगे तो आप विश्वास नहीं करोगे। सच में बोलोगे, सच में इतना भूतू है बहुत ज्यादा, मतलब इसने अभी तक जीवन में इतना लुटाया ना, इतना लुटाया है लोगों ने, इसको लूटा भी खूब है सच में। और उन लोगों की जब याद आते हैं ना, जो मतलब इतने बुरे थे, जो कुछ ज्यादा ही फायदा उठाते अपने आप का और अपने जो भी पोजीशन है उसका, तो गुस्सा आता, दिल से बददुआई निकलती है उनके लिए सब सच में। तो चलो उन लोगों को याद नहीं करना मुझे अपनी बेटियों में बिल्कुल भी नहीं। तो कैसा लगा आपको हमारी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। और लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, अब भी सब्सक्राइब करो, और कर दिया तो बहुत बहुत थैंक यू। और हमारी तरफ से आपके पूरे फैमिली को हैप्पी होली। हाँ, ये नहीं पता कि होली के बाद जाएगी वीडियो की नहीं, होली वाले दिन तक चली जाएगी। हाँ, हम होली से पहले बना रहे, इसलिए आप लोगों को हैप्पी होली। आज 16 तारीख है, 17, अब तो 17 हो गया, अब 17 हो गया क्योंकि 12 बजे एक या सवा एक हो रहा है। तो हम मिलेंगे आपसे अपने अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।